हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 4, दैट इज क्लोथ्स। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, टिक द करेक्ट ऑप्शन। इसमें हमें क्या करना है, करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है, ठीक है। नायलोन इज अ डैश। नायलोन क्या है, वो क्या है, सिंथेटिक फाइबर है, नेचुरल फाइबर है? नहीं, नेचुरल फाइबर तो कौन से हैं, जूट है, कॉटन है ना। नन ऑफ दीज, बोथ ऑफ दीज। नन ऑफ दीज कब लगाते हैं हम, टिक, जब इसमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। बोथ ऑफ दीज मीन्स दो ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो फर्स्ट देखिए, सिंथेटिक फाइबर, नायलोन जो है वो हमारा सिंथेटिक फाइबर है, मैन मेड फाइबर है, ठीक है। नायलोन किसके द्वारा बनाया गया है, मैन के थ्रू बनाया गया है, ओके। सेकेंड, नेफ्थलीन बॉल्स कीप अवे डैश। नेफ्थलीन की जो बॉल्स हैं, जो कपूर की जो गोलियां होती हैं, वो क्या करती हैं, किन को दूर भगाती हैं, हाउस फ्लाइज को, मॉस्किटोज को, सिल्वर फिश को या ऑल, ठीक है। हाउस फ्लाइज को दूर भगाती हैं वो, नहीं, सिल्वर फिश को, नहीं, ऑल, तो हम पहले सभी को देखेंगे उसके बाद ही इसको टिक कर सकते हैं, मॉस्किटोज, मॉस्किटोज, ठीक है। तो नेफ्थलीन जो बॉल्स हैं वो किसको दूर भगाती हैं, मच्छरों को दूर भगाती हैं। ऑल तो हो नहीं सकता क्योंकि सिल्वर फिश और हाउस फ्लाइज को तो वो नहीं भगाती दूर। थर्ड, इन रेन वी यूज डैश। बारिश में हम क्या यूज करते हैं, रेनकोट, बिल्कुल करते हैं, अम्ब्रेला, वो भी करते हैं, रबर शूज करते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑल, ठीक है, ऑल की जो सभी चीजें हैं हम यूज करते हैं। फोर्थ, जूट इज अ डैश। जूट क्या है, नेचुरल फाइबर, सिंथेटिक फाइबर, नन ऑफ दीज, बोथ ऑफ दीज। तो जूट जो है वो हमारा सिंथेटिक फाइबर तो नहीं है, नन ऑफ दीज भी ऑप्शन नहीं आ सकता। वो हम कब लगाते हैं, जब इसमें से कोई नहीं ठीक होता। बोथ ऑफ दीज मीन्स दोनों, हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, नेचुरल फाइबर, क्योंकि जूट जो है वो नेचुरल फाइबर है, वो जूट के पौधे से हमें मिलता है। फिफ्थ, वी गेट वूल फ्रॉम, हमें ऊन कहाँ से मिलता है, अ शीप, बी सिल्क वॉर्म, सी रबर शूज, डी नन ऑफ दीज। सिल्क वॉर्म से हमें वूल मिलता है, बिल्कुल नहीं, सिल्क वॉर्म से तो हमें सिल्क मिलता है, रबर शूज, बिल्कुल नहीं, नन ऑफ दीज। तो हमारा यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा शीप, क्योंकि जो है भेड़ से हमें क्या मिलता है, ऊन मिलता है। बी, टिक राइट फॉर ट्रू एंड रॉन्ग फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। जो ट्रू स्टेटमेंट है उसके लिए हमें राइट करना है, और जो फॉल्स है उसके लिए रॉन्ग लगाना है, ठीक है। फर्स्ट, डिजाइनर स्टिच आवर क्लोथ्स। जो डिजाइनर है क्या वो हमारे क्लोथ्स को स्टिच करते हैं, नहीं, क्लोथ स्टिच कौन करता है, टेलर करता है, डिजाइनर तो उसे सिर्फ डिजाइन करते हैं, तो दिस इज रॉन्ग। सनलाइट किल्स द जर्म्स, धूप जो है वो जर्म्स को किल करती है, यस, कुछ जर्म्स ऐसे होते हैं जिनको अगर धूप में रख दिया जाए तो वो किल, सनलाइट उसको कर देती है। वी गेट सिंथेटिक फाइबर फ्रॉम पेट्रोलियम, क्या हम सिंथेटिक फाइबर जो है वो पेट्रोलियम से मिलता है। सिंथेटिक फाइबर कौन सा है, मैन मेड फाइबर, जो इंसान ने बनाया है, तो वो किससे मिलता है, पेट्रोलियम से मिलता है, बिल्कुल सही। मैच द कॉलम्स, कॉलम ए एंड कॉलम बी को हमें मैच करना है, वैसे ही जैसे हमने पहले भी किया हुआ है, इस साइड जो कॉलम ए में पॉइंट्स दिए हैं उसको कॉलम बी से मैच करना है। कॉटन, ठीक है, कॉटन हमें कहाँ से मिलता है, कॉटन प्लांट से, यस, बिल्कुल राइट। वूल, वूल हमें कौन देता है, शिप, शिप प्रोवाइड अस वूल। थर्ड, हैंडलूम, हैंडलूम किस प्रोसेस के द्वारा बनता है, किस चीज से बनता है वो, वीविंग, हमने पढ़ा था चैप्टर में। पॉलिएस्टर, पॉलिएस्टर क्या है, एक सिंथेटिक फाइबर, मैन मेड है, नेचुरल नहीं है, ये पौधों से नहीं मिलता है हमें, ना ही किसी एनिमल से मिलता है, ये किससे मिलता है, मैन मेड ने बनाया है ये, ठीक है, मैन मेड है ये और ये सिंथेटिक है, ठीक है। फिफ्थ, सिल्क वॉर्म, सिल्क वॉर्म जो है वो किससे मिलता है, सिल्क वॉर्म से हमें क्या मिलता है, सिल्क मिलता है, और वो जो सिल्क बनता है वो सिल्क वॉर्म के कोकून से सिल्क बनता है, ठीक है। तो सिल्क वॉर्म जो है उसको किससे मैच करेंगे हम, कोकून से। डी, फिल इन द ब्लैंक्स, हमें फिल करना है। फर्स्ट, नायलॉन इज अ डैश फाइबर, नायलॉन क्या है, एक
पहले भी बताया था है ना, एमसीक्यूज में आया था, बताओ। यस, सिंथेटिक फाइबर, नाइलोन जो है सिंथेटिक फाइबर है क्योंकि ये मैन मेड है। वी गेट सिल्क फ्रॉम द डैश ऑफ सिल्क वॉर्म। सिल्क हमें सिल्क वॉर्म के किससे मिलता है, कोकून से। सिल्क वॉर्म के कोकून से हमें क्या मिलता है, सिल्क मिलता है। ओके, वी गेट वूल फ्रॉम, हमें ऊन किससे मिलता है, शीप। सिल्क इज अ डैश फाइबर, सिल्क जो है वो क्या है, सिंथेटिक है या नेचुरल है। देखो नेचुरल तो वो होता है जो प्लांट से मिलता है या फिर एनिमल से मिलता है, ठीक है। सिंथेटिक जो इंसान ने बनाया है, तो सिल्क जो है वो हमें सिल्क वॉर्म से मिलता है, तो ये नेचुरल हुआ, क्या हुआ, नेचुरल। कॉटन इज ऑब्टेन फ्रॉम डैश प्लांट, कॉटन जो है वो कौन से प्लांट से मिलता है हमें, कॉटन के प्लांट से। नेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट, व्हाई डू वी नीड क्लोथ्स, हमें कपड़ों की जरूरत क्यों पड़ती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि कपड़ों की जरूरत क्यों पड़ती है, हमें गर्मी से बचने के लिए, सर्दी से बचने के लिए। ओके, क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट एंड कोल्ड, क्लोथ्स जो है वो हमें गर्मी और सर्दी से, बारिश से भी बचाते हैं, रेनकोट वगैरह जैसे। सेकेंड, व्हाट इज अ सिंथेटिक फाइबर, गिव एग्जाम्पल, सिंथेटिक फाइबर कौन से होते हैं और इनको हमें एग्जाम्पल देके बताना है। तो इसका क्या हो जाएगा, सम क्लॉथ्स आर मेड फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर्स, कुछ कपड़े जो हैं सिंथेटिक फाइबर से बनते हैं, जैसे कि लाइक नायलोन एंड रेयन। जैसे नायलोन है या रेयन का कपड़ा जो है वो सिंथेटिक है। सिंथेटिक फाइबर्स आर मेड फ्रॉम केमिकल्स, ये किससे बनाए जाते हैं, जो मैन है वो किससे बनाते हैं इसको, केमिकल्स से बनाते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड मैन मेड फाइबर्स, इसको मैन मेड फाइबर्स भी कहा जाता है। वट इज स्पिनिंग, अब यहां में बताना है कि स्पिनिंग क्या होता है। थर्ड क्वेश्चन, इसका आंसर क्या हो जाएगा, द फर्स्ट स्टेप इन मेकिंग क्लोथ्स इज स्पिनिंग, क्लोथ्स को बनाने में जो सबसे पहला स्टेप है, जब हमारा कोई भी कपड़ा बनता है उसका जो सबसे पहला स्टेप है वो है स्पिनिंग। स्पिनिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग थ्रेड्स फ्रॉम फाइबर्स, ठीक है, फाइबर्स से धागा बनाना, थ्रेड बनाना, ये क्या है, स्पिनिंग की प्रोसेस है। नेक्स्ट, वट इज वीविंग, वीविंग क्या होता है, द सेकेंड स्टेप इन मेकिंग द क्लोथ्स इज वीविंग, स्पिनिंग के बाद जो सेकेंड स्टेप है वो कौन सा है, वीविंग का है। क्लोथ इज वूवन फ्रॉम यार्न ऑन अ लूम, ठीक है, क्लोथ जो है एक लूम के ऊपर, लूम से बनता है, ठीक है, और किसके थ्रू बनता है, यार्न के थ्रू बनता है, यान से बनता है, ठीक है, यान थ्रेड। ओके, लूम क्या होता है, एक करघा होता है, ठीक है, जिससे जो है कपड़ा बनता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, और जो कपड़ा है उसकी जो बुनाई है वो किससे भी हो सकती है, हाथों से भी कर सकते हैं, पुराने लोग हाथों से भी करते थे, या फिर किसी इंस्ट्रूमेंट से भी हम कर सकते हैं, जैसे कि लूम। ओके, नेक्स्ट, व्हाट आर मेन रॉ मटेरियल्स फॉर मेकिंग क्लोथ्स, क्लोथ्स बनाने के लिए मेन रॉ मटेरियल्स क्या होते हैं, कि किस चीज को यूज करके हम कपड़ा बनाते हैं। क्लोथ्स आर मेड बाय फाइबर्स, ठीक है, ये हमें पता है कि क्लोथ्स जो है वो किससे बनते हैं, फाइबर्स से बनते हैं। नेचुरल फाइबर्स आर, नेचुरल फाइबर्स कौन कौन से हैं, प्राकृतिक जो फाइबर्स हैं वो कौन से हैं, वूल, सिल्क। सिंथेटिक फाइबर्स आर नायलोन एंड रेयन। नेचुरल फाइबर कौन से हो गए, वूल हो गए, वूल हमें शीप से मिलता है, और सिल्क हो गया, सिल्क वॉर्म से मिलता है, एंड सिंथेटिक फाइबर्स, कुछ जो सिंथेटिक फाइबर हैं वो कौन से हो गए, नायलॉन एंड रेयन। ठीक है बच्चों, अब आप इस एक्सरसाइज को रिवाइज करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।